उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इन दिनों आग ने अपना तांडव मचा रखा है। आज भगवानपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से 3 घरों में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 23 मवेशियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों के घरों में रखा हुआ अनाज सहित लाखों की सामग्री जलकर खाक हो गई। मजदूरी करके मैं आ रहा था, मुझे रास्ते में पता लगा, वहाँ दिख रहा था, लेकिन कुछ लोग वहाँ बाहर आया के थे, आया के लोग बैठे थे वहाँ, बोले भैया तुम्हारे गांव में आग लग गई, और जल्दी जब सर आगे सर्किट से आए यहाँ देखा था तो चल रहा था, पता नहीं क्या है, तो बिजली का तार गया था मीटर बगल में रघुवर के यहाँ, वहीं मीटर से लगी थी। अच्छा, लगभग कितने मवेशी मर गए हैं यहाँ पे? कितने मवेशी जल मर गए हैं? 16 बकरी। अरे 16 बकरी उनकी, वो बता रहे हैं उनकी मरी हैं, और 3 जानवर उनके मरे हैं, 4 हमारे मरे हैं, 2 हमारे एक लड़के के मरे हैं। तो लगभग 2 दर्जन मवेशी मरे हैं। कितने घरों में आग लगी थी ये? 3 घरों पे आग लगी है। कितने का नुकसान हुआ होगा? लग पूरा सब टोटल नुकसान 5 लाख रुपए का। 5 लाख का नहीं, कम से कम 15 लाख का नुकसान। क्या नाम है आपका? कौन सा ग्राम है? गाजापुर के भगवानपुर गांव में 17-18 जानवर आग की चपेट में आके जल के मर गए हैं। मौके पर थाना गाजीपुर की पुलिस, वो फायर सर्विस की गाड़ी आग पर काबू पा ली है। इस समय आग बुझ गई है। मौके पर पुलिस मौजूद है।